Hello students, my name is Ashok Kumar. आज इस मॉड्यूल में हम आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। आपने कभी सोचा है कि हर 2-3 साल में या कुछ टाइम पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है, नया वर्जन आ जाता है मार्केट में। हार्डवेयर जो है आज एक प्रोसेसर है, कुछ समय बाद उसका एडवांस वर्जन आ जाता है और एक पीरियड के बाद ये प्रोडक्ट्स ये मार्केट से गायब हो जाते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? इसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो है एक इनका लाइफ साइकिल। इन सब चीज़ों को एक जीवित चीज़ की तरह से समझा जाए जो कि पैदा होती है, अपना जीवन जीती है और धीरे धीरे वो अंत को प्राप्त हो जाती है। बहुत कारण है इसके। डेली बेसिस पे हमारे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, उसी को नज़र रखते हुए डेवलपर अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं, क्योंकि चेंज तो लगातार होते ही रहेंगे, चेंज सतत हैं। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है लंबी लाइफ रहे, पर उसकी एक लाइफ रहेगी। तो आज हम इस मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि जब हम डेवलप करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसकी क्या क्या मेथोडोलॉजीज हैं। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या होती हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स क्या क्या हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो शुरुआत होती है इसकी प्लानिंग से। सबसे पहले कुछ भी आप काम करना चाहें तो आप उसके बारे में प्लान करेंगे और रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे, ये पहली स्टेज। उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन करेंगे कि जी ये इमीडिएट है और ये तो हमें होनी ही होनी है, ये मिल जाए तो और अच्छा और ये भी मिल जाए तो उससे भी अच्छा। तो वी डिफाइन आवर रिक्वायरमेंट्स एंड उसको एक क्रमबद्ध तरीके से हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। थर्ड स्टेज में हम जाके इसका प्रोडक्ट की आर्किटेक्चर कि ये किस हार्डवेयर पर चलेगी, क्या इसका नेटवर्क सिस्टम रहेगा और ये सब जो निटिग्रिटीज हैं वो हम इसके डिज़ाइन फेज में आ जाते हैं। अगला जो फेज है वो बिल्डिंग फेज है, उसमें हम प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर फॉर्म में इसका बनाना शुरू कर देते हैं और एक गिवन टाइम पीरियड के बाद इसकी हम टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। आखिर जो इसमें फेज आती है वो आती है डिप्लॉयमेंट। इसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में जहाँ के लिए इसको बनाया गया है वहाँ इसको डिप्लॉय किया जाए और साथ ही साथ इसमें अगर कोई बग्स आते हैं तो उनको बग को ट्रैक करके उनको ठीक किया जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंटेनेंस। तो मोर और लेस ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं। अब इसके मॉडल्स क्या क्या हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेनली एक वाटरफॉल मॉडल, एक आइटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, बिग बैंग मॉडल, एजाइल मॉडल, रैपिड एक्शन डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ये मेन मॉडल्स हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करते हैं। एक एक करके हम इनको मॉडल्स को टच करेंगे, देखेंगे कि इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, किसकी सिचुएशन में हम ये पर्टिकुलर मॉडल यूज़ करते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे और इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होगी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मैनेज करने से हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे मैनेज कर पाते हैं। Just before we go on to waterfall model,
आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से विंडोज एक्सपी, और हर महीने उसके अपडेट्स आते रहते हैं। एक समय के बाद वो सारे अपडेट्स वो एक सर्विस पैक में बदल जाते हैं, फिर उसके बाद और अपडेट्स वो दूसरे सर्विस पैक में आ जाते हैं, और लास्ट जब दो या तीन सर्विस पैक बन जाते हैं तो उसके बाद वो एक नया वर्जन इशू कर देते हैं। ये सब होता क्यों है? ये सब इसलिए होता है कि जब सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, कुछ चीजें आपकी छूट जाती हैं अनइंटेंशनली, आप उस चीज को फोरसी नहीं कर पा रहे हैं, उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे जैसे यूजर यूज करता है उसको, तो वो एज ए फीडबैक फॉर्म में, क्रैश के फॉर्म में वो आपके पास आता है, तो आप उसका एक पैच इश्यूज करते हैं। वो पैच और कुछ नहीं, वो अगर कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी रिवील होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, तो उसको मिटिगेट करने के लिए वो सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक समय के बाद वो इतने सारे पैचेस इकट्ठे हो जाते हैं और सॉफ्टवेयर हैवी होने लगता है, तो कंपनी डिसीजन लेती है कि अब इसको डिसकंटिन्यू करके हम नया वर्जन बना दें। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था। तो देखते हैं सबसे पहले वाटरफॉल मेथड है क्या। वाटरफॉल मेथड, जैसा कि इसका नाम है, कि जैसे जैसे पानी बहता है सीढ़ियों से, आप कभी पानी को बहता देखें, पहले ऊपर की सीढ़ी पे होगा, फिर अगली सीढ़ी पे आएगा, और धीरे धीरे वो लास्ट सीढ़ी पे पहुंचता है। इसी तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट वाटरफॉल मेथड जो है वो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जब तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं हो जाती है तो हम अगली स्टेज वो सिस्टम डिजाइन में नहीं जाते हैं। सिस्टम डिजाइन में जाते हैं तो पूरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम डिजाइन हो जाता है। इस केस में अगर कोई फिर से रिक्वायरमेंट, अगर प्रीवियस स्टेज में रिक्वायरमेंट आ जाती है, चेंज हो जाती है, तो हम वापस रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज में जाते हैं और फिर से सिस्टम डिजाइन स्टेज में आते हैं। तो ये बड़ा सीक्वेंशियल प्रोसेस है और एक के बाद एक प्रोसेस इसमें फॉलो किए जाते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर ट्रैकिंग, डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑन सिस्टम्स, और सब्सिक्वेंटली द मेंटेनेंस इन केस वी रिकवर। हर स्टेज में आप ध्यान रखें, किसी भी स्टेज में अगर प्रीवियस स्टेज की रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो हम वापस फिर से शुरुआत में चले जाते हैं। ये इस प्रोसेस में इसकी खासियत कह लीजिए या इसकी खामी कह लीजिए। यूसेज कहाँ है इस वाटरफॉल मॉडल का? ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इसकी बड़ी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड हो, क्लियर हो और फिक्स हो। प्रोडक्ट डेफिनेशन जो है वो अक्सर चेंज होती रहती है, कई बार नहीं पता होता कस्टमर को कि उनको चाहिए क्या। तो जहाँ भी प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेबल होती है वहाँ हम वाटरफॉल मेथड यूज़ करते हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजी की लोगों को समझ है, कस्टमर को समझ है और डेली चेंज नहीं हो रही है, आइडियल मॉडल वाटरफॉल मॉडल होता है। साथ ही साथ इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स बड़ी क्लियर कट स्पेल्ट आउट होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्पल रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि प्रोजेक्ट शॉर्ट हो। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कि हर स्टेज का शेड्यूल सेट किया जा सकता है कि इतने टाइम में हम स्टेज वन पे होंगे, इतने टाइम पे टू पे होंगे, और इस वजह से प्रोजेक्ट जो है
उसका कंप्लीशन टाइम पहले ही डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि हर स्टेज जो है वो अगली स्टेज पहली स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही होगी। डिसएडवांटेज इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिवीजन अलाउ नहीं करता। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी स्टेज में चेंज अगर करते हैं तो आपको ये वापस इनिशियल स्टेज में ले जाता है। नेचुरली एवरीथिंग हैज़ टू बी गिवन रीलुक। और लास्ट लास्ट स्टेज में जब आप पहुंचते जाते हैं, जैसे जैसे आप आखिरी स्टेज में पहुंचते जाते हैं, अगर इनिशियल रिक्वायरमेंट से अगर कुछ चेंज आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सिचुएशंस में ये मॉडल जो है वो अनफिट हो जाता है। अगला जो मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो है आइटरेटिव मॉडल। इसमें सॉफ्टवेयर को पार्ट बाय पार्ट डेवलप किया जाता है। आप एक पार्ट डेवलप कीजिए, इसको रिव्यू कीजिए और फर्दर रिक्वायरमेंट लीजिए। प्रोसेस इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। आप डेवलप करें, फर्दर आइडेंटिफाई करें रिक्वायरमेंट और इसको वर्जन कंट्रोल के साथ साथ वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 एंड सो ऑन, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए आप ये प्रोसेस में लगे रहे। इस अप्रोच को कहाँ हम अप्लाई करते हैं? वेन एवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंप्लीट सिस्टम आर क्लियरली डिफाइंड, कि पूरा सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, जब ये डेवलपर की समझ में आ जाए तभी इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। मेजर रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी डिफाइंड, हाउएवर सम फंक्शंस और रिक्वेस्टेड एनहांसमेंट मे इवॉल्व विद टाइम। आपको हो सकता है शुरुआत में उतनी एप्रिसिएशन ना हो कि हमें चाहिए क्या, जो कि अक्सर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में होता है कि हम एक प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि एंड में हमारा क्या प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। तो मेजर रिक्वायरमेंट्स आपकी डिफाइन हो और धीरे धीरे जो आती रहें टाइम के साथ वो इसमें इनकॉर्पोरेट होती रहें। देयर इज अ टाइम टू द मार्केट कंस्ट्रेंट्स, बहुत ज़रूरी है। अ न्यू टेक्नोलॉजी इज being used and being learned by the development team while working on the project. आज कोई नई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो टीम साथ ही साथ सीख रही है, इसको बना भी रही है, तो उन सिचुएशंस में ये बड़ा कारगर मॉडल है। रिसोर्सेज विद नीडेड स्किल सेट्स आर नॉट अवेलेबल एंड आर plan to be used on contract basis for specific iterations. मतलब जो हम स्किल सेट सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए चाह रहे हैं वो आपके पास आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, आपको जगह जगह से उन लोगों को हायर करना है, तो तभी इस प्रोडक्ट्स को हम डेवलप कर पाएंगे। इनके लिए भी iterative मॉडल ideally suitable होता है। There are some high risk features and goals which may change इन द फ्यूचर। इसके एडवांटेजेस, मेन एडवांटेज जो इस मॉडल का है वो है कि हर स्टेज में आपको एक लाइव प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको कि हम इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके फ्लॉज देख सकते हैं, क्योंकि आप एक चलती हुई चीज देख रहे हैं, अभी चीज कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो उसको इवेल्युएट करना और उसके बग्स निकालना बहुत आसान हो जाता है कस्टमर के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। ये बहुत एडवांटेज मिलता है हमको जब हमारे पास बड़ा लिमिटेड बजट हो, कि हम प्रोडक्ट को किसी भी स्टेज में रोक सकते हैं कि हाँ जी अब हमारा काम इस स्टेज में चलना शुरू हो गया, तो अब आप इसको हमें दे दीजिए, बाकी चीज़ें आप बैकेंड में करते रहिए। डिसएडवांटेज जो है इसका सबसे बड़ा ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली टू लार्ज एंड बल्की सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। दिस इज बिकॉज इट इज हार्ड टू ब्रेक अ स्मॉल सॉफ्टवेयर इनटू फर्दर स्मॉल सर्विसेबल मॉड्यूल्स। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको डिप्लॉय भी टाइम पे करना है, फटाफट करना है और जल्दी से जल्दी कस्टमर को दिखना भी चाहिए कि बनके क्या चीज आने वाली है। उन सिचुएशंस में
ये बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है। अगला जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे वो है स्पाइरल मॉडल। इस मॉडल में जो प्रोजेक्ट है वो बड़े रिपीटेडली, वो आइट्रेशंस उसमें होते हैं और उसके चार स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज को वो एक स्पाइरल का नाम दिया जाता है। पहले प्लानिंग होगी, फिर डिजाइन होगा, बिल्ड करेंगे और रिस्क एनालिसिस के बाद फिर ये प्रोसेस एज ए स्पाइरल ये चलता रहेगा। जब बजट कंस्ट्रेंट हो और रिस्क इवेल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उन सिचुएशन में हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे मीडियम और हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ ये बहुत वरदान की तरह से काम करता है, क्योंकि हर आइट्रेशन में हम इसका रिस्क इवेल्यूएट और रिस्क असेसमेंट करते चले जा रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कमिटमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल चेंजेस टू इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एज अ रिक्वायरमेंट चेंजेस विद द टाइम, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कस्टमर जब श्योर नहीं होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, विच इज वेरी कॉमन, हम लोगों को सरप्राइज होगा कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल डिज़ाइन करने जाते हैं अधिकतर केसेस में कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसको कंप्यूटर से करवाना क्या है। ये मॉडल बहुत हेल्प करता है, या तो कस्टमर को नहीं पता होता है कि उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और या रिक्वायरमेंट्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि उसको क्लैरिटी लाने के लिए उसको थोड़ा एक कोई वर्किंग मॉडल या इवेल्यूएशन मॉडल चाहिए होता है। न्यू प्रोडक्ट लाइन्स विच इज रिलीज्ड इन फेजेस टू गेट एनफ कस्टमर फीडबैक, जैसे कि हम इवेल्यूएशन वर्जन दे दें, लॉन्च कर दें, लोगों को बोले आप इसको यूज कीजिए और बताइए हमें। मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वो एक मॉडल बना के दे देते हैं, वहां पे ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। एज एंड व्हेन वी एक्सपेक्ट के प्रोडक्ट में डेवलपमेंट फेज में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं, ये मॉडल हमको स्पाइरल मॉडल हमें यूज करना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल, दिस मॉडल अलाउज फॉर एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू बी एडेड इन व्हेन दे बिकम अवेलेबल और नोन। आप शुरुआत करते हैं अननोन से और जैसे जैसे आपको उसके बारे में पता चलता जाता है आप उसको ऐड कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। दिस मेथड इज कंसिस्टेंट विद अप्रोचेस दैट हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर बिल्ड्स एंड रिलीज एंड अलाउज फॉर मेकिंग एन ऑर्डरली ट्रांजिशन टू ए मेंटेनेंस एक्टिविटी। अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट स्पाइरल मॉडल फोर्सेस अर्ली यूजर इन्वॉल्वमेंट इन द सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट। ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरे लाइफ साइकिल में कि कस्टमर जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है कई बार वो तब इन्वॉल्व होता है, और तब तक या तो रिक्वायरमेंट ऐसी चेंज हो चुकी होती है या डेवलपर कुछ और समझ के प्रोडक्ट बना चुका होता है, और कई बार इतनी लेट हो चुका होता है कि कस्टमर बोलता है आपने प्रॉमिस कुछ किया था और ये दिया कुछ। तो ये जो मेथड है, क्योंकि कस्टमर इसमें बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, हमको जो प्रोडक्ट फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो मिलता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है और तकरीबन जो कस्टमर को चाहिए होता है वो मिलता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इट नीड्स वेरी स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ रनिंग द स्पाइरल इन द इनफाइनाइट लूप, क्योंकि कस्टमर कई बार हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट ही खत्म ना हो और ये आइट्रेशन बाय आइट्रेशन, स्पाइरल बाय स्पाइरल ये प्रोडक्ट प्रोजेक्ट जो है वो चलते चले जा रहा है। डिसिप्लिन ऑफ चेंज एंड एक्सटेंट ऑफ टेकिंग चेंज रिक्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड डिप्लॉय द प्रोडक्ट सक्सेसफुली। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट वन ऑफ दिस मॉड्यूल एंड leftover modules, models of software development life cycle,
we will discuss in the next part of this module. Thank you. See you again.